इस समाचार के प्रायोजक हैं मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स, स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के द्वारा 51 लाख पौधारोपण का अभियान शुरू किया गया है, जिसमें मंत्री कैलाश विजयवर्गीय अलग अलग संगठनों और लोगों के साथ चर्चा कर वृक्षारोपण को लेकर अलख जगा रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय की इस मुहिम का जनता और समाज सेवी संगठनों में भी असर देखा जा रहा है, जहां अलग अलग संगठन इस अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा संख्या में पौधारोपण की बात कर रहे हैं। वहीं ऐसे में अधिवक्ता गण भी इस अभियान के लिए आगे आए हैं। कैलाश विजयवर्गीय द्वारा शुरू किया गया पौधारोपण अभियान अब जन आंदोलन बनता हुआ नजर आ रहा है। अधिवक्ताओं के द्वारा इस अभियान को समर्थन देने की बात कही गई है। विधि प्रकोष्ठ के द्वारा इस अभियान को लेकर मीडिया से चर्चा की गई, जिसमें उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय के इस अभियान को मानव जीवन के लिए काफी महत्वपूर्ण बताया है। विधि प्रकोष्ठ के राजेश खंडेलवाल ने बताया कि 51 लाख पौधारोपण के अभियान को लेकर अधिवक्ताओं में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है और सभी अधिवक्ता इस अभियान में अपनी सहभागिता दिखाएंगे। राजेश खंडेलवाल ने बताया कि उनके द्वारा लगाए गए पौधों को विधिवन नाम दिया जाएगा। वहीं इसी अभियान के तहत आगामी 29 जून को अधिवक्ताओं की एक बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें इस पूरे अभियान के क्रियान्वयन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। देखिए, ये जो कैलाश विजयवर्गीय जो हमारे शहर के मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री है, उनके द्वारा जब भी कोई किसी भी प्रकार का संकल्प लिया जाता है तो पूरा शहर उनके उस संकल्प को पूरा करने के लिए तन मन धन से आगे आ जाता है। उसी प्रकार हमारे अधिवक्ता बंधुओं ने यह निर्णय किया है कि हम भी इस महाअभियान में, जो कि हरियाली का महोत्सव है, वृक्ष 51 लाख वृक्षों को लगाना है, उसमें हम हमारा अभूतपूर्व योगदान देवे। उसके लिए हमारे विधि प्रकोष्ठ के भाई राजेश जी खंडेलवाल के द्वारा महेश्वरी मांगलिक भवन में 29/6/2024 को अधिक से अधिक अधिवक्ताओं की उपस्थिति के माध्यम से इस संकल्प को पूरा करने के लिए बैठक का आह्वान किया है। और उस आह्वान में मैं सभी अधिवक्ता बंधुओं से निवेदन करना चाहूँगा कि इस महाअभियान के अंदर अधिक से अधिक अधिवक्ता उस महेश्वरी मांगलिक भवन में उपस्थित होकर अपने संकल्प के प्रति दृढ़ संकल्पित होने का प्रमाण प्रस्तुत करें और पूर्ण सहयोग दें। लक्ष्य लगभग जो है, हमने जो लक्ष्य बनाया है कि लगभग 2500 के लगभग अधिवक्ताओं को हमने बुलाया है और अधिक से अधिक अधिवक्ताओं के आने की उसमें पूरी संभावना है। जैसा कि आपको विदित है कि हमारे माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी निश्चित तौर पे वो मंत्री है, लेकिन हमारे इंदौर शहर में उनकी कभी मंत्री नहीं रहे, उन्हें हमने हमेशा अपना बड़ा भाई समझा है और उन्होंने भी हमारे साथ वैसे ही हमेशा रहे कि वो हमारे बड़े भाई। उन्होंने जो संकल्प लिया है उसमें निश्चित तौर पे उन्होंने, अगर हम वकीलों को भी उसमें माध्यम बनाया है, हमारे भी सहायता चाहते हैं, सहयोग चाहते हैं या हमारे माध्यम से वो चाहते हैं। इस बार हमने देखा कि भीषण गर्मी से हम लोगों को इस बार गुजरना पड़ा और ये हमने महसूस किया कि निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं जो हरियाली नष्ट की गई है, हमने देखा कि जो जिस प्रकार से मेट्रो का निर्माण हुआ, BRTX का निर्माण हुआ, इनके कारण ये भी हमारी शहर की आवश्यकता थी, इसकी भी आवश्यकता हमें आने वाले वर्ष में पड़ने वाली है। इसको लेके हमारे कई वृक्ष हमारे द्वारा काटे गए, निश्चित तौर पे इन वृक्षों की भरपाई तो हम अब नहीं कर सकते, लेकिन हम उन माध्यमों को चुने, उन जगहों को चुने जहाँ पर ये वृक्ष को हम लगाएं। एक भाई साहब का प्रश्न था कि क्या इन्हें सिंचाई करेंगे, इनका ध्यान रखेंगे, तो अभी विगत 3 महीनों तक तो हमें निश्चित तौर पे पौधों का ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि हमें वर्षा का सहयोग मिलता रहेगा और हम पौधों का चयन भी इस प्रकार कर रहे हैं कि जो कम पानी में चलते रहे। और ऐसा नहीं है, हम वकील लोग अगर हम इसमें सहयोग कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे हम हमारे द्वारा लगाए हुए पेड़ों को पानी भी देंगे, उन्हें खाद भी देंगे और आवश्यकता अनुसार उन्हें लगा तो उन्हें हम जालियों से लगा के उनको सुरक्षित भी करेंगे। ये महाअभियान है, इस महाअभियान में मेरा निवेदन है कि सभी वकील लोग बढ़ चढ़ के सहयोग करें और 29 तारीख को महेश्वरी मांगलिक भवन जो चिड़ियाघर के सामने स्थित है वहाँ पे अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर और कैलाश जी के नेतृत्व में इस महाअभियान को सफल बनावें और अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें।
जगह चिन्हित की गई है? अभी जगह चिन्हित जो की गई है जहां पर कई होल किए गए हैं उनकी जानकारी हमको 29 तारीख को लगेगी, उसी हिसाब से हम स्थान तय करेंगे और वो देखेंगे कि कौन से वकील भाई कहाँ रहते हैं, उस हिसाब से हम एरिए में उन वकील भाइयों को पौधों का वितरण भी होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माननीय कैलाश विजयवर्गीय हमारे यशस्वी कैबिनेट मंत्री के द्वारा इंदौर में पूर्व में जो गर्मी का तापमान बढ़ा है उसको गंभीर रूप से लेते हुए इंदौर के तापमान को कम करने के लिए तथा इंदौर में जो हरियाली का वातावरण पहले था, पहले हमारे इंदौर को शबे मालवा कहा जाता था, वो शबे मालवा केवल इंदौर की हरियाली के लिए ही कहा जाता था। पिछले दिनों जो इंदौर में लगातार गर्मी का इतना तापमान बढ़ गया है, 44 डिग्री तक पहुंच गया, तो उसी के चलते हमारे यशस्वी कैबिनेट मंत्री माननीय कैलाश विजयवर्गीय द्वारा 51 लाख वृक्ष लगाने का जो संकल्प लिया गया है, इसी में ही हमारे समस्त अधिवक्ताओं की सहभागिता भी होनी चाहिए। इसी के चलते दिनांक 29/6/2024 शनिवार को एक वकीलों की सहभागिता इस वृक्षारोपण के कार्यक्रम में आदरणीय कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम माहेश्वरी मांगलिक भवन में होना है, जिसमें अधिक से अधिक अधिवक्ता बंधु इस प्रकल्प के से जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकल्प में सहभागिता लेकर पूरे इंदौर को हरियाली खुशहाली बनाना है और साथ में हमारे कैबिनेट मंत्री का जो संकल्प है उस सभी को पूरा करना है। इसमें हम सभी अधिवक्ता बंधु, हमारे समस्त अधिवक्ता बंधु ने भी यह संकल्प लिया है कि हम कैबिनेट मंत्री जी के संकल्प को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, हमारे परिवार को भी रिश्तेदार को भी इस संकल्प से जोड़ेंगे। और इसी के लिए मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि दिनांक 29/6/2024 को माहेश्वरी मांगलिक भवन में अधिवक्ताओं की सहभागिता इस संकल्प में, हरियाली के संकल्प में वृक्षारोपण के संबंध में जो बैठक रखी गई है, इसमें अधिक से अधिक अधिवक्ता बंधु इसमें पधारें, अपनी सहभागिता करें और हमारे यशस्वी मंत्री जी के संकल्प को पूरा करने में सहयोग दें। इस संकल्प में हमारे यशस्वी महापौर जी उष्मित भार्गव जी भी बहुत ही समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। इस 51 लाख वृक्षों में न सिर्फ केवल ये वृक्ष लगाए जाएंगे बल्कि इन वृक्षों को नगर निगम के द्वारा सींचा भी जाएगा, उन्हें मूर्छित नहीं होना दिया जाएगा, ऐसा हमें आश्वासन माननीय महापौर जी के द्वारा मिला है। इसमें हमारे नगर अध्यक्ष आदरणीय भाई साहब गौरव रणदिवे जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ के माननीय हमारे बड़े भाई साहब मनोज द्विवेदी जी, सभी लोग बड़ी मात्रा में इस संकल्प को सफल बनाने में सहयोग कर रहे हैं। मेरा सभी से निवेदन है, सभी अधिवक्ता बंधु, हमारी अधिवक्ता मात्र शक्तियाँ, सभी से निवेदन है कि 29 तारीख को माहेश्वरी मांगलिक भवन में पधार कर हमारी जो अधिवक्ता शक्ति का परिचय देते हुए उस संकल्प को सफल बनाने में अपनी सहभागिता दें।